आज हम आपको दिखाएंगे लिनोवा का फुल्ली ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन प्लांट की प्रोसेस। रोटी बनाने के लिए हमें टोटल 4 मशीन की जरूरत होगी। पहला गेहूं पीसने के लिए पल्वराइजर मशीन, दूसरा आटा गूंथने की मशीन और तीसरा बोल बनाने की मशीन, और ये चौथा मशीन जो रोटी को शेप देकर पकाएगा। यह है लिनोवा का पल्वराइजर जिसमें हम हर तरह के अनाज का आटा पीस सकते हैं। इसमें 2 HP से लेकर 7.5 HP तक के मॉडल आते हैं। इसमें अलग अलग 6 प्रकार की झालियाँ होती है। आटे को जितना महीन करना है उस तरह से झाली बदलनी होगी। हम यहाँ से अनाज को ऊपर से डालेंगे। यहाँ चेम्बर में अनाज के दाने को पीसा जाएगा। यहाँ से पीसा हुआ आटा ड्रम में जाएगा और ये हमारा आटा तैयार है। यहाँ आप फ्लोर मिक्सिंग मशीन यानी डो नीडिंग मशीन देख सकते हैं, जिससे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अब हम डो बनाने के लिए आटा, पानी और तेल जरूरियात के हिसाब से मशीन में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे। अब ये डो बनने के लिए तैयार है। ये अच्छे से भुना हुआ आटा आप रोटी बनाने में उपयोग कर सकते हैं। यह है डो बोल कटिंग मशीन कंप्रेसर के साथ। यहाँ से हम सेंसर को एडजस्ट करके गोले की साइज बदल सकते हैं। अब ये गुना हुआ आटा लिनोवा डो बोल कटिंग मशीन में डालेंगे। यहाँ से वर्म से होते हुए सेंसर की ओर जाएगा। यहाँ से डो सेंसर के पास आते ही राउंड कट हो जाएगा। ये है ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन कन्वेयर टाइप, जिसको हमने इस तरह से सेट करके रखा है। ये है मशीन की कंट्रोल पैनल। यहाँ से हम रोटी प्रेसिंग मशीन की टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं और ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब डो बोल को मशीन में डालेंगे। ये मशीन डो बोल को गोल और पतली रोटी में बदलेगी। यहाँ से हम रोटी की थिकनेस बदल सकते हैं। यहाँ से रोटी कन्वेयर बेल्ट पर आती है और लो फ्लेम में पकते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ से पलटती है और कन्वेयर झाली पर आती है। उसमें रोटी पूरी तरह से पककर फूल जाती है। यहाँ से हमें गरम और स्वादिष्ट रोटियाँ तैयार होकर मिलती हैं। हम घंटे की 800 से 1000 रोटी निकाल सकते हैं। हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन प्लांट खरीदने के लिए हमसे संपर्क करें। लिनोवा किचन इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।